7:37 now, Saturday morning, and we are all set to go to Munnar. Everyone, if you are someone जिनको बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क का नहीं पसंद and if you like unexplored places, then this video is definitely for you. आज का वीडियो होने वाला है अबाउट आर रोड ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर टू मुन्नार. हमने अपना आइटनरी थोड़ा अलग रखा, नॉट लाइक द रेगुलर जस्ट टी गार्डन स्पाइस गार्डन विजिट एंड यू नो यू जस्ट रैप अप एंड गो बैक. ऐसा नहीं होने वाला, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट. हमारा 4 days का प्लान है ओवरऑल एंड उसमें 2 days वी स्टेड इन अ प्लेस कॉल्ड आदिमली विच इज अबाउट 25 kilometers फ्रॉम मुन्नार एंड आई थिंक 1 hour में पहुंच जाओगे. फर्स्ट टू डेज हम आदिमली में रुके एंड देन द सेकेंड 2 days वी टुक अ रिसोर्ट इन मुन्नार एंड या वी डिड अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू यूजली हियर फ्रॉम पीपल. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू सी वेर वी स्टेड और ऑल द एक्टिविटीज दैट वी डिड. सो या इट्स गोना बी एक्साइटिंग. डे 1 तो हमारा मोस्टली ट्रैवल में ही निकल गया. वी स्टार्टेड एट अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग एंड देन शाम को 7 के पहले पहुंच गए थे. हमने उसके बाद एयरबीएनबी जाके रेस्ट किया एंड ओनर के साथ बात किया अबाउट एनी ऑफ बीट प्लेसेस दैट ही नोज, क्योंकि लोकल्स को ये सब पता होता है चीज़ें. फिर नेक्स्ट डे का प्लान डिसाइड कर लिया. वी हैड फूड एंड देन सो गए थे. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुन्नार. हमारा डे 2 तो सबसे पहले ये हाउस टूर से ही स्टार्ट हुआ. आई वोंट इवन कॉल इट अ हाउस, मतलब ये 4-5 acres ऑफ प्रॉपर्टी है. ये घर इज लाइक यू नो 1-2% ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी. लुक एट दिस अमेजिंग बालकनी, मतलब इतना ब्यूटिफुल है, यहाँ से उठने की इच्छा ही नहीं होती थी. लाइक यू कैन स्पेंड द होल डे जस्ट इन द बालकनी, इट्स दैट ब्यूटिफुल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ओनर से डिस्कस करने के बाद हमको पता चला दैट इनके प्रॉपर्टी के अंदर ही स्पाइस गार्डन्स है, फ्रूट गार्डन्स है, लाइक वॉट नॉट. इन्होंने अच्छे से एक पूरा टूर दे दिया हमको. इसमें इलायची था, दालचीनी, कोकोआ जिससे चॉकलेट बनता है वो, कॉफ़ी बीन्स थे, महोगनी वुड. आई मीन यहाँ क्या नहीं था, ऐसे लग रहा था. ही वॉज सो नाइस टू गिव अस अ टूर. हमको बाहर जाके एक और टूर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. हमारा एयरबीएनबी प्रॉपर्टी टूर के बाद हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी था गोइंग टू द नियर बाई फिश फार्म. वहाँ पर एक बोट राइड एक्टिविटी होती है अलॉन्ग विथ फिश. आपको फीड करने के लिए खाना देते हैं, फिश फूड, एंड देन यू नो यू जस्ट हैव टू कीप फीडिंग वाइल यू आर ऑन अ बोट राइड. वो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था. लाइक यू नो द फिश वर सो फ्रेंडली, यू नो पैर के पास आके पूरे टाइम गुदगुदी कर रहे थे. इट वॉज लाइक अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. उसके बाद ऑफकोर्स वहाँ छोटी जिप लाइनिंग थी, वो भी एक्टिविटी किया था. हे गाइस, फिश फार्म से वापस आने के बाद हम लोग इतना ज़्यादा थक गए, वी जस्ट वॉन्टेड टू टेक रेस्ट. मतलब वी डिडंट हैव एनीथिंग, भर के पानी पिया एंड देन वी वेंट टू स्लीप. एंड नाउ वी आर गोइंग टू, वेर आर वी गोइंग? अनकुलम. अनकुलम एक रिमोट विलेज है नियर आदिमली. यहाँ एक स्पॉट पे रोज एलिफेंट्स आते हैं नहाने के लिए. सो बहुत लोग आते हैं देखने के लिए बिकॉज इट्स वाइल्ड एलिफेंट कमिंग टू अ स्पॉट एवरी डे टू टेक बाथ. तो ऑब्वियसली मज़ेदार है देखने के लिए. इसके बाद हमारा एयरबीएनबी ओनर ने एक पर्सन को अरेंज किया टू गो टू एन ऑफ बीट रिवर. इट वॉज राइट इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट एंड बहुत ही कम लोगों को पता है ये जगह के बारे में. सो नो क्राउड एट ऑल. वी थरोली एन्जॉयड द नेचुरल ब्यूटी ओवर देयर. अगर और जल्दी गए होते तो वी कुड हैव टेकन बाथ डेफिनेटली. वैसे तो पीक समर था बट जब तक हम रिटर्न हो रहे थे बारिश होने लगी एंड सच अ ग्रेट वेदर, मज़ा ही आया एंड दैट वाज अ परफेक्ट एंडिंग फॉर आर डे 2. गाइस, इट स्टार्टेड रेनिंग. ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल. गाइस, इट्स 5:45 एंड वी आर गोइंग टू चिन्नपरकोरी व्यू पॉइंट, जहाँ से हम सनराइज देखने वाले हैं. We have our jeep ready जाने के लिए. Let's go see a sunrise. केरला में ऐसे बहुत पॉइंट्स हैं जहाँ से सनराइज दिखता है. चिन्नपरकुडी इज ऑल्सो वन ऑफ देम.
आपने कोलकुमलई का नाम सुना ही होगा. चिन्नपरकुड़ी इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट, बट ये कम एल्टीट्यूड में है. बट ये ऑनेस्टली मानसून या विंटर में बहुत ही सुंदर दिखता. नेक्स्ट इसके बाद हम आदिमली से निकल के मुनार गए, एंड देन ऑल वी वांटेड टू डू इज चिल इन अ रिजॉर्ट. हे गाइस, सो हम पहुंच चुके हैं मकायरम रिट्रीट. आफ्टर एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस हमने फाइनली डिसाइड किया कि दिस इज द बेस्ट, क्योंकि बहुत सारी कॉम्पिटिशन है यहाँ पर रिलेटेड टू हाउस स्टेज. मतलब इट मेक सेंस, कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे तो वो कॉम्पिटिशन रहेगा. बट हियर मेनी प्लेसेस क्लेम दैट वो रिजॉर्ट्स है, जबकि रिजॉर्ट्स नहीं थे. इट्स जस्ट मतलब कुछ रैंडम तीन चार रूम थे, एंड देन थोड़े टी गार्डन का व्यू दिख रहा था आसपास, एंड देन दे आर सेइंग दैट इट्स अ रिजॉर्ट. बहुत ढूंढने के बाद फाइनली मिला ये, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल. इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन 50 acres ऑफ देयर, इट इज लोकेटेड इन बिटवीन 50 acres ऑफ कार्डमम प्लांटेशन. सो बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है, एंड आई थिंक अभी तक वी हैवेंट इवन सीन 1% ऑफ इट. तो शाम को जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा या फिर मॉर्निंग व्हेन इट्स कोल्डर तब एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं. बट फॉर नाउ वी आर वेरी वेरी हंग्री, तो फटाफट जाके खाना खा करें. सो हमारा खाना आ चुका है. वी हैव मसाला फिश फ्राई, बटर चिकन और रोटी, एंड ऑफ कोर्स हमारा हंग्री किड. हे गाइस, वो यम्मी लंच करने के बाद तो हमको बहुत नींद आ गई थी. वी टुक अ क्विक नैप, एंड उसके बाद हमारे रिजॉर्ट के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये ब्यूटीफुल टी गार्डन्स है. एंड वी गॉट टू नो दैट यहाँ मेजोरिटी ऑफ द टी गार्डन्स आर ओन्ड बाई टाटाज. द व्यू इज जस्ट ब्रेथ टेकिंग. ये जो कैप्चर हो रहा था मतलब जस्टिस नहीं हो पा रही थी, स्पेशली गोल्डन आवर के टाइम पर थे तो इट वॉज अमेजिंग. इसके बाद हम रिजॉर्ट जाके हैड टी. सो यहीं का फ्रेश टी, इलायची, दालचीनी, सब कुछ, एक एक चीज़ का वो फ्रेशनेस, अलग ही फ्लेवर है चाय में. मतलब ऐसा लग रहा है ऐसा चाय पता नहीं आज तक पिया ही नहीं है, बिकॉज मे बी इट्स एवरीथिंग इज सो प्योर, एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग द व्यू. हाय गाइस, सो कल एज वी डिस्कस 50 acre का फार्म है, पूरा कार्डमम लगा हुआ है, एंड इनकी प्रॉपर्टी में एक ऐसे ट्रायल बना हुआ है जहाँ आप हाइक कर सकते हो. सम पीपल कैन स्पॉट बर्ड्स, अलग टाइप का बटरफ्लाइज, या फिर कभी कभी एलिफेंट्स. सो या लेट्स सी इफ यू आर लकी टुडे, इफ नॉट एक अच्छी हाइक हो जाएगी. हमको लगा था काफ़ी ईजी होगा बट काफ़ी चढ़ाई है. या लेट्स सी इफ विल बी एबल टू मेक इट और नॉट. बहुत ही अच्छी हाइक हो गई थी हमारी, काफ़ी थक गए थे, एंड इसके बाद रेस्ट करके हमारा नेक्स्ट स्टॉप था देवीकुलम एंड लॉकहार्ट टी गार्डन्स. जैसे ही हम देवीकुलम के पास पहुंचने वाले थे, द एंटायर रोड स्टार्टेड वेलकमिंग अस विद दीज प्रिस्टीन व्यूज. इतना सुंदर लग रहा था, हर एक छोटी सी पिट स्टॉप भी इतना ब्यूटिफुल था, लाइक इट्स जस्ट आउट ऑफ वर्ड्स. हाय गाइस, हमको लग रहा था ऑलरेडी इतने सारे टी गार्डन्स जब है देवीकुलम एक स्पेसिफिक स्पॉट में, ऐसा क्या होगा अलग से देखने के लिए. मे बी इट माइट बी ओवररेटेड, बट हम गलत है. इट्स डेफिनेटली लाइक आई वुड से अंडररेटेड में भी, लाइक जस्ट जितना वीडियोस बनाने के बाद भी फील नहीं हो रहा कि मतलब वो अच्छे से कैप्चर हो पा रहा है. देवीकुलम में ही देर इज़ अ स्पॉट कॉल्ड लॉकहार्ट. नॉर्मली टी गार्डन्स प्राइवेट होते हैं, बट इन दिस प्लेस कॉल्ड लॉकहार्ट यू कैन गेट इन टू द टी गार्डन्स. 50 rupees पर पर्सन चार्ज है. देर यू कैन ऑल्सो गेट योर प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स टेकन, सो यू शुड नॉट मिस दैट प्लेस. वी फाइनली एंडेड आर डे एंड आर ट्रिप विद दिस ऑथेंटिक केरला मसाज. इसके तो कई सारे मेडिकल बेनिफिट्स है. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑफ इट.
मैंने सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर सच ऑफ बीट प्लेसेस कंटेंट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू सो मच बाय